शरीफ मरियम नवाज और सफदर की सजा मौतली की दरखास्त पर आज फिर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दो रुकनी बेंच ये समाअत करेगा। अदालत ने नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर को आज हर सूरत में दलाल मुकम्मल करने की हिदायत कर रखी है। दलाल मुकम्मल होने पर आज फैसला महफूज किए जाने का इम्कान है, तो देखना ये होगा या सजा जो है वो मुअत्तल होती है या नहीं। आज समाअत के हवाले से जो दलाल मुकम्मल किए जाने हैं वो आखिरी दिन है एहतशाम को, यानी से मजीद जानते हैं। एहतशाम आगाह कीजिएगा, आज समाअत जो है आखिरी रोज में दाखिल हो चुकी है, आज फैसला महफूज भी किया जा सकता है। देखें आज की बात है, उसमें जो प्रोसिक्यूटर नैब हैं उनको आखिरी मौका दिया गया था कि आज वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया था कि आज के दिन आप कितना वक्त लेंगे, आधे घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, जिस पर रजामंदी का इजहार किया गया था प्रोसिक्यूटर नैब की जानिब से कि आज दलाइल मुकम्मल कर लूँगा, अगर आज दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं तो उस पर फैसला महफूज कर लिया गया था। गुज़िश्ता रोज़ सख्त रिमार्क्स भी देखने में आए, जजेस जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अगर आप कल अपने दलाइल मुकम्मल नहीं भी करते तो आपका तहरीरी जो जवाब है वो अदालत के पास मौसूल हो चुका है, उसी को बुनियाद बनाकर फैसला दे दिया जाएगा। तो आज दलाइल मुकम्मल होंगे, उसके बाद ख्वाजा हारिस अगर जवाबुल जवाब में कोई कुछ कहना चाहेंगे, अगर वो जवाबुल जवाब में नहीं आते तो उसके बाद फैसला महफूज कर लिया जाएगा और ये अदालत के पास इख्तियार होगा कि कब वो शॉर्ट ऑर्डर सुनाएं। आज ही शॉर्ट ऑर्डर भी सुनाया जा सकता है, लेकिन आपके बाद भी उसको महफूज करके जा सकता है फैसले को। जो दलाइल दिए गए हैं प्रोसिक्यूटर नैब की जानिब से, एक तो बुनियादी एतराज उठाया गया था कि ये दरखास्तें जो हैं ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा सकती, जब मुलजमान की जानिब से जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। इसको अदालत ने ये रिमार्क्स दिए थे कि इसको भी पूरे केस के साथ ही इस पर भी फैसला करेंगे आखिर में, तो आज ही अगर फैसला महफूज होता है तो इस पर भी मेंटेनेबिलिटी का फैसला भी साथ ही किया जाएगा। दूसरा ये कहा गया था कि ये कोई सख्ती का केस नहीं है, कोई हार्डशिप नहीं है मुलजमान पे, ना वो अलालत में है ना उनको कोई और हार्डशिप है, इसलिए सजा मुअत्तल नहीं की जा सकती क्योंकि अपीलों में किसी किस्म का कोई डिले नहीं है। लेकिन अदालत की जानिब से जब जो प्रोसिक्यूटर नैब हैं उन्होंने जब दलाइल दिए और पूरा एवनफील्ड प्रॉपर्टीज की मलकियत के हवाले से बात की, तो उन्होंने कहा कि बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टीज हैं और बच्चे कम उम्र थे, इसका मतलब है कि नवाज शरीफ मालिक हैं। जिस पर अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि एहतसाब अदालत का जो फैसला है वो भी मफरूजे की बुनियाद पर दिया गया, वो फैसला मफरूजे की बुनियाद पर है, लेकिन ये अदालत मफरूजे की बुनियाद पर क्रिमिनल सजा जो है उसको बरकरार नहीं रख सकती। जिसके बाद जो प्रोसिक्यूटर नैब हैं उनकी जानिब से मजीद भी दलाइल दिए गए, लेकिन अदालत की जानिब से एक बार फिर यही कहा गया कि कल आप अपने दलाइल मुकम्मल करें, जब दलाइल मुकम्मल होंगे तो इस केस को जल्द निपटाना चाहते हैं और फैसला सुनाना चाहते हैं, तो आज यही एक्सपेक्टेड है कि फैसला महफूज किया जाएगा। ठीक है, और शाम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।